ये कहाँ पे आ गया, ये तो गलत जगह पे आ गया मैं। अंकल जी छोड़ दोगे वहाँ तक प्लीज़? अच्छा चलो जी, तो अंकल जी मान गए जी, चलो। आठवां स्वर वो ढूंढ नहीं पाए हैं, सातवां स्वर पे ही चल रहा है उनका भी, विदेशों में भी यही हुआ था। और लंच करते हैं यार, बहुत भूख लगी, थकान भी बहुत हो गई थी। आंखों में कैसे, ओह माय गॉड, देखा दिमाग खराब हो गया ना मेरा थकान के करके, डिनर हो रहा है डिनर। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it. हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जी प्रज्वल ने रोटी बना दिया मेरे लिए। आज देखो मैं सोना मोना लग रहा हूँ ना आज, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है, 4 तारीख का है तो प्रोग्राम है, कल भी प्रोग्राम है। तो अभी पहले मुझे जाना है 22 और उसके बाद फिर 40, पहले उससे पहले 35 भी जाना है, मैडम का फोन आया था कुछ काम करना है, पहले 35 भी जाऊंगा, 22 फिर 35 फिर 40 फिर मोहाली, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है मतलब आज का और कल का दिन, प्रोग्राम भी काम भी बहुत ज़्यादा। और पहले तो रोटी पैक करें और फटाफट से निकले क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जल्दी निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों तैयार हो गया, रोटी रोटी खा ली है। और ये देखो अभी किसी से इमरजेंसी 500 रुपये मंगवाई है, और ये भी तो वाकई ले आया है देखो, हैं 500 का नोट तोड़ाया अभी, और किसी से मंगवाए देखो ये ना, तो चाहिए ना पैसे दो जेब में। तो चलो मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से, पहले 22 फिर उसके बाद 35 भी जाना है भाई, जल्दी चलते हैं। कितना काला हो गया मौसम, हो तो चलो जी चलते हैं। फ्रेंड्स बारिश तो शुरू भी हो गई है और मौसम बिल्कुल ख़तरनाक हो रखा है आज। ये देखो ये धनाज का गुरुद्वारा, ओहो यहाँ पे एक जाम भी बहुत लग जाता है। पहुंच गए 22 और ये है अंडरग्राउंड पाथ सड़क क्रॉस करने के लिए। और भाई निकलना तो पड़ेगा, देखो बारिश हो रखी है तेज, अब मैं तो क्या कर सकता हूँ। चलो फटाफट से मार्केट के अंदर चलते हैं। तो पहुंच गए हैं जी, अब यहाँ से लेते हैं अपना सामान, होपफुली हो गया हो बस। और ये देखिए कितने अच्छे घोड़े की म्यूरल लगा रखी है, और ये सारा फ्रेमिंग का काम होता है यहाँ पे, ये सब लगे हुए हैं फ्रेमिंग, वो देखो उधर भी फ्रेमिंग बीडिंग मतलब। तो चलो जी ये देखो ये है फ्रेमिंग करवा ली है 6 के 6, इनका सम्मान करेंगे और इनको देने कानपुरी वालों को। और बाहर तो पूरी बारिश हो रही है, अब कैसे जाएंगे, 35 पहुँचना है, यहाँ से ऑटो करूँ उस तरफ से मिलेगा वैसे ऑटो, उस वहाँ पर चलते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बारिश पूरी रुक नहीं रही है। और ये होटल देख रहे हो, ये 3-स्टार होटल है चंडीगढ़ सनबीम। और दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं ना बस कैप के इसमें थोड़ा सा करके फ़ोटो कैमरे को फिल्म बना रहा हूँ, यानी कि व्लॉग बना रहा हूँ। और कीचड़ देख रहे हो कितना हो रहा है, लेकिन ऑफिस पहुँचना ज़रूरी है टाइम से, क्योंकि बाकी सब तो आ जाएंगे। ओहो हो ये कहाँ पे आ गया, ये तो गलत जगह पे आ गया मैं। तो दोस्तों मुझे ना उस बस स्टैंड तक पहुँचना, देखो क्योंकि उधर को ही जाना है ना, तो किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो एक अंकल आ रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो वहाँ तक छोड़ देंगे मुझे। ये आ गए अंकल जी, अंकल जी छोड़ दोगे वहाँ तक प्लीज़? अच्छा चलो जी, तो अंकल जी मान गए जी, चलो आ जाओ जी। तो चलो जी अंकल जी देखो कितने अच्छे हैं बारिश में, चलो घर से छतरी लेकर नहीं निकले हम। और इधर ये देखो जी, वो सामने बस स्टैंड तक पहुंचना है मुझे बस, और सड़क तक छोड़ देंगे अंकल बस, वहाँ से फिर भाग के पहुँच जाएंगे। और ये देखो जी इनकी भी बंजारों की कैसी ज़िंदगी है, देखो बारिश में खाना भी पकाना है, पेट भी भरना ज़रूरी है, हैं बच्चे देखो भूख के, और हम भी काम पे निकले हुए हैं इतनी बारिश में। अंकल जी सड़क तक क्रॉस करोगे? हाँ लो जी अंकल जी तो यार बहुत अच्छे हैं सच में, लो जी पहुँच गए पहुँच गए। और यहाँ से थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा, तो चलो जी सेफली देखो यहाँ पे पहुँच तो गया हूँ, यहाँ पे देखो सारे शेल्टर ले रखा सबने। और दोस्तों देखो बारिश में भीगता भीगता मैं पहुँच ही गया,
और पूरा भी जगह से ऊपर तक ना मुझे एक शर्ट ले आनी चाहिए थी या छतरी लेके आनी चाहिए थी, मुझे पता नहीं था इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी, अंदाजा नहीं लगा था ऐसा भीग जाऊँगा। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल तो 35 पहुँच गया हूँ ऑफिस और चलते हैं जल्दी से। ये देखो यहाँ का मंदिर कितना ज़बरदस्त, वाह। चलो ऑफिस पहुँच गए, चलते हैं थोड़ा काम करते हैं। और दोस्तों अभी देखो पूरा भीग रखा था, ऑटो की दरकार थी, अभी मैडम की गाड़ी में जा रहा हूँ। देखो ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ और मैडम की गाड़ी में जा रहा हूँ। अभी पहले चलते हैं 40, फिर इसके बाद ऑफिस जाएंगे। तो लो जी ये बन गए हमारे पैम्फलेट, और ये देखो जी ये काम मैंने भी किया हुआ है, अपनी ITI मैंने इसी में की है। तो हाँ आज वो दिन भी याद आ गया मुझे, तब किया हुआ है, देख लो एक साल मैंने ऐसे भी काम किया हुआ। तो चलो अब लेके चलते हैं ऑफिस इनको। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ चेंज करने के लिए घर, और ये देखो इससे मैं तो यहीं 6 फेस पे खड़ा हूँ गुरुद्वारे के पास, यहाँ से चलेंगे धनास। और ऐसा रश बहुत है, डर लग रहा है। तो ये देखो ये मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और हम चलते हैं उधर को। और दोस्तों देखो जी मैं धनास पहुँच गया हूँ अभी, अभी यहाँ से तैयार होकर फटाफट से ना थोड़ा चेंज करता हूँ, कुर्ता वर्ता पहनता हूँ, स्मार्ट बन के फिर से पहुँच जाते हैं 18। तो चलो। और दोस्तों देखो 6:15 हो रहे हैं और मैं घर पहुँच गया हूँ, अब फटाफट से थोड़ा सा चेंज करते हैं और निकलता हूँ, बहुत थक गया, जल्दी जल्दी आया ना। और एक तो भीग रखा था ना तो ये अच्छे से नहीं लगता, वैसे तो ऐसे भी चल जाता, लेकिन फिर उन्होंने बोल दिया कुर्ता पहनना पड़ेगा, तो कुर्ता पहनना पड़ेगा मतलब चेंज। अच्छा हाँ ये देखो ये कुर्ता दृष्टि ने कर दिया इसको प्रेस, अब हम चलते हैं तैयार होके। एक्चुअली पजामा नहीं है इसके नीचे का, तो जीन पहन के ही चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं। और दोस्तों ये देखो यहाँ की चर्च है ये चंडीगढ़ की, और अभी हमको जाना है। और देखो चर्च के सामने कितना अच्छा चौक बना रखा है राउंड अबाउट। और यहाँ की जो मार्केट है ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, 18 सेक्टर में जो मार्केट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान बहुत अच्छा और सस्ता मिल जाता है, सारी वैरायटी मिल जाती है। और दोस्तों ये देखो जी पहुँच गया, और ये देखो मेरे बनाए हुए पोस्टर लगे हुए ना यहाँ पे, देख रहे हो आपके भाई के पोस्टर लगे पूरे गेट पे। और इधर गवर्नर साहब ने आना है इसलिए थोड़ी सी सुरक्षा चाक चौबंद है। और ये देखो जी एक टैगोर थिएटर के बीच में, और दोस्तों ये देखो जी ये मैंने बनाया हुआ है बैकड्रॉप, ये भी मेरा ही बना हुआ है, और पूरे स्टेज की शोभा बढ़ा रहा है ना। तो अभी गवर्नर साहब आए भी हैं, गवर्नर साहब। चलो जी फ्रेंड्स हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और ये देखो यहाँ पे आज एक्चुअली सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है। और वो देखो उधर से आएंगे, चलो जी गवर्नर साहब आ गए, वो देखो। अभिनंदन करना है, और अब आप सभी से गुजारिश कि अपने अपने स्थान पे राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे। आप सभी से स्वागत अभिनंदन। प्राचीन कला केंद्र द्वारा आयोजित मल्हार उत्सव पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी को सादर समर्पित। आप सभी की तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकारों की जो मेहनत है और उनका प्रेम भी, सब तो स्वर बने, विदेशों में भी फैला है, विदेशों में हमारी नकल की है, पर उनकी खुद की ताकत से 8वां स्वर वो ढूंढ नहीं पाए हैं, 7वां स्वर पे ही चल रहा है उनका भी, विदेशों में भी यही हुआ है। और पुराना वेदों के बाद में देखा जाए तानसेन के बारे में तो सब जानते हैं, संगीत और तानसेन, संगीत के तानसेन के बारे में नहीं जाने, तानसेन का नाम नहीं जाने, ये तो संभव नहीं है।
तो दोस्तों हो गया प्रोग्राम ख़त्म आज के लिए, है ना। अभी कल फिर से आया प्रोग्राम, लेकिन अभी चलते घर, रात के 10 बज गए। अभी देखो कितना सुनसान हो रखा है इधर, बिल्कुल। तो भाई प्रोग्राम तो जैसे जैसे ख़त्म हुआ, लेकिन अभी अंधेरे में देखो रात के बज रहे हैं 10, है ना। इसी रास्ते से हम जब यहाँ पे आते हैं तो उजाला होता है, सामने देखो स्टेडियम है, लेकिन पता नहीं लग रहा ना इस समय। तो चलो चलते हैं, ऑटो मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कैसे जाऊँगा मैं। मिल जाएगा ऑटो, कोई बात नहीं। और दोस्तों पहुंच गया हूं घर, और ये देखो 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे। और पुष्पा देखिए आके, ठीक है हैं, अभी तो लाल लग रही है वो वाली, तो बहुत उधर वाली। और दृष्टि देखो जी रोटी बना रही है, सब्जी भी बना ली है आज, आज तो ठीक हो गया, आज सब्जी बना ली, आज सब्जी बना ली, आज मुझे मिस तो नहीं किया सब्जी बनाने में। नो नहीं है। नहीं है। तुम बहन ज्यादा करते हो, मैंने कहा फिर तुम्हें जरा सा भी कुछ हो जाएगा तो मुझ पे शक करोगे, वो तेरी वजह से कहीं भी बीमार तो नहीं हो गया। टा 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 टिक 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 टिक, दृष्टि ने क्या बनाया, टा 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 टिक 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 टिक। ओ माय गॉड, सूखे आलू और ये रोटी भी फूल गई। चलो जी अब हम खाएंगे सूखे आलू, ठीक है। गुड मैन दिला टाइम, अब नहा धो के तैयार होते हैं, थोड़ा नहा धो के तैयार, नहा धो के थोड़ा काम वाम देखे, बहुत थक गए भाई। और दोस्तों ये देखो दृष्टि ने कितनी अच्छी सब्जी बना रखी है, और मिर्ची भी दे दी है, और आज तो लगता है कि घी भी लगा के खाया जाए, है ना, क्यों। तो सब बैठ गए हैं और मैं भी बैठ गया हूँ, और लंच करते हैं यार, बहुत भूख लगी है, थकान भी बहुत हो गई थी। आंखें देखो कैसे, ओ माय गॉड, देखा दिमाग ख़राब हो गया ना मेरा थकान के करके, डिनर हो रहा है डिनर। एक्चुअली दोपहर में आज खाना, हाँ ऐसी एक था, खाना खाएगा पता ही नहीं लगा जल्दी जल्दी में। तो चलो जी खाते हैं देसी घी के साथ मज़ेदार रोटी, ठीक है, और पेट की भूख को शांत करते हैं। और दोस्तों टाइम ज़्यादा हो गया तो सब सो गए, और मैं भी रिकॉर्ड करने को गया था, इसलिए थकान हो गई, कभी नहीं लगी। तो बस आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यार से कमेंट कर देना। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा खुश रहिए।